हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल आज से आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताऊंगा और हम लोग बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे जैसा कि सीटेट के सिलेबस में दिया गया है। और यह वीडियो सीटेट के साथ साथ यूपी टेट एग्ज़ाम और अदर स्टेट के टेट एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, पहला चैप्टर है परिवार और मित्र, तो हम लोग उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो जानते हैं अब हम लोग परिवार के बारे में। परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों या व्यक्तियों में रक्त संबंध पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिना रक्त संबंध के जो लोग होते हैं वो आपस में नहीं रह सकते। कुछ दिन के लिए रह सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों में और व्यक्तियों में रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार को वंश के आधार पर, आकार के आधार पर, विवाह के आधार पर तथा संबंध के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है आकार के आधार पर परिवार। उसके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी इसमें एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है तो उसके विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग आकार के आधार पर परिवार। तो आकार के आधार पर मनुष्य के परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक पहला परिवार एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार। तो इसी के बारे में काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें दो तीन पीढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। इसमें तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। मान लीजिए जैसे पति पत्नी हैं और उनके एक या दो बच्चे, बस इतना एकल परिवार होता है। और जब उनके बच्चे विवाहित होने लगते हैं तो वो संयुक्त परिवार की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन बात करें संयुक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार में काफ़ी लोग होते हैं। दादा दादी, माता पिता, भैया, चाचा चाची, ये सब होते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। एकल परिवार में खाली पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे एकल परिवार के गुण और दोष, संयुक्त परिवार के गुण और दोष। तो शुरू करते हैं एकल परिवार के गुण से। तो एकल परिवार के गुण, एकल परिवार के गुण में पहला है व्यक्तित्व के विकास का अवसर। तो एकल परिवार में हम लोग जैसे जानते हैं कि उसमें कम लोग होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे या पति पत्नी और उनके बच्चे, तीन या चार लोग होते हैं। तो व्यक्तित्व के विकास का अवसर, तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए काफ़ी स्वतंत्र वातावरण मिलता है। कोई बंधिसें नहीं होती हैं, कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है, एक अनुशासन प्रिय वातावरण मिलता है माता पिता की तरफ से, जिससे उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है पारिवारिक कलह की संभावना कम। बिल्कुल, जब परिवार में कम लोग होंगे और एक सोच वाले होंगे तो परिवार में कलह नहीं होगी। अगला पॉइंट है कुरीतियों का अभाव। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरीतियों का अभाव होगा, क्योंकि जैसे एकल परिवार तभी बनता है जब एक सोच वाले व्यक्ति एक साथ रहते हैं, तभी तो वो संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार बनाते हैं। और जैसे संयुक्त परिवार में काफ़ी लोग होते हैं तो उनकी अलग अलग च्वाइसें होती हैं, अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, इस हिसाब से। और एकल परिवार में कुरीतियों का अभाव होता है, जो उसमें रहने वाले पति पत्नी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुरीतियों का अभाव होता है, बहुत से लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं संयुक्त परिवार में, वो अपनी ही चलाने के लिए सोचते हैं कि मेरी ही बात माने सब, तो एकल परिवार में वो नहीं होता है। निर्णय लेने की आज़ादी, बिल्कुल निर्णय लेने की आज़ादी होती है, कोई बंदिश नहीं होती है, अपने अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं। बच्चों का लालन पोषण अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है। एकल परिवार में एक बच्चा हो अगर तो उसका जो लालन पालन है वो काफ़ी अच्छा होता है। सभी ध्यान, जैसे माता पिता हैं तो अपने बच्चे पे ही ध्यान देंगे, इसी वजह से उसका लालन पोषण हो जाता है अच्छा। अब एकल परिवार के नुकसान,
तो एकल परिवार के नुकसान जान लेते हैं। संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त, बिल्कुल अनुपयुक्त है। बाई चांस अगर किसी दुर्घटना में किसी बच्चे की माता पिता नहीं रहे तो वो कैसे जिएगा। तो इस वजह से एकल परिवार जो है संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। बाई चांस कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो कैसे क्या होगा, तो उस वजह से एकल परिवार अनुपयुक्त होता है संकट की दृष्टि से। बच्चों की उपयुक्त देखभाल ना हो पाना, ये भी है। एक तो बच्चों का लालन पोषण भी अच्छा हो जाता है अगर अच्छे माता पिता और जागरूक माता पिता हों तो। लेकिन अगर बच्चों को उपयुक्त देखभाल या उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है, अगर जो उसके माता पिता हैं आपस में लड़ते रहते हैं हर काम के लिए, तो बच्चों को उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है और उनका अच्छे से देखभाल नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अब माता पिता हैं और वो सुबह काम पे चले गए, तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। अगर आ भी जाएंगे टाइम से तो कहेंगे हम नहीं करेंगे, बच्चे को तुम देखो जाके। तो इस वजह से जो है बच्चे की उपयुक्त देखभाल नहीं हो पाती अगर माता पिता आपस में लड़ते रहते हैं तो। स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, बिल्कुल स्वार्थ की प्रबल भावना होती है। इसी वजह से तो वो संयुक्त परिवार से टूट कर एकल परिवार की ओर जाते हैं। तो स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, मतलब अपने लिए प्रबल भावना होती है, बच्चों के लिए प्रबल भावना होती है, बाकी उन्हें किसी से मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार के गुण, नागरिक गुणों का विकास। संयुक्त परिवार में बहुत से लोग होते हैं, दादा दादी माता पिता चाचा चाची बुआ ये सब होते हैं, तो इससे जो है उनको काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन मिलने जुलने का मौका मिलता है। तो उनको वो अच्छे से समझते हैं कि सामाजिक परिदृश्य क्या होगा, उन्हें गुण मिलते हैं अच्छाई बुराई का नॉलेज उन्हें अच्छे से मिलता है। तो नागरिक के गुणों का विकास होता है। श्रम का विभाजन, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त परिवार में अगर किसी कार्य को करना होता है तो मतलब हर कार्य बटा होता है कि आप ये करेंगे सुबह शाम को आप ये करेंगे, तो श्रम का विभाजन होता है और आसानी से बहुत से कार्य कम समय में हो जाते हैं। बाकी आप लोग जानते ही होंगे कि संयुक्त परिवार में क्या होता है, आप लोग बिलोंग करते होंगे बहुत से लोग। अगला पॉइंट है भावी पीढ़ी का समुचित विकास, बिल्कुल सही है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है संयुक्त परिवार में तो वो बहुत से लोगों के कांटेक्ट में आता है, दादा दादी हैं माता पिता तो हैं ही, उसके भाइया हैं भैया हैं चाचा हैं चाची हैं, तो इस वजह से वो काफ़ी लोगों से मिलता जुलता है। और अगर उसके माता पिता नहीं होते हैं घर पे तो उसके दादा दादी या चाचा चाची उसे संभाल लेते हैं। इससे उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सामाजिक विकास में कोई भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है और बच्चे का लालन पालन आराम से हो जाता है। और एकल परिवार में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को संभालने के लिए, अगर माता पिता घर पर नहीं है तो कौन संभालेगा। इस वजह से तो सबसे अच्छा विकास होता है संयुक्त परिवार में बच्चे का। अगला पॉइंट है आर्थिक अपव्यय पर रोक। आर्थिक अपव्यय पर रोक, जैसे कि अगर एकल परिवार में हैं हम और कोई चीज़ खरीदनी है हमें, तो हम जाएंगे अगर 20 रुपए की चीज़ है तो 20 रुपए दे के ले आएंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या है, मतलब एक चीज़ है रोज़मर्रा की यूज़ में ली जाती है और चार लोग हैं, चार लोगों को चाहिए। तो दुकान पे गए हम लोग, हमने कहा कि चार चीज़ें हमें चाहिए, तो ऐसे तो एक 20 रुपए की मिल रही थी थोक मतलब वैसे ही, और अगर थोक के भाव चार चीज़ें लेंगे तो हो सकता है वो हमें 19 रुपए में दे दे। तो इस तरीके से आर्थिक अपव्यय पर रोक लगाया जाता है, मतलब थोक भाव वैसे भी कम होता है, इसी वजह से संयुक्त परिवार में आर्थिक अपव्यय पर रोक लगता है। यही होता है आर्थिक अपव्यय। अब अगला पॉइंट है भावनात्मक सहयोग, बिल्कुल सही बात है। भावनात्मक सहयोग होता है, आपस में प्रेम भावना होती है संयुक्त परिवार में। अगर अच्छा परिवार होता है तो बच्चे का अच्छे रूप से विकास होता है, चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है संयुक्त परिवार। अब है संयुक्त परिवार के दोष, पारिवारिक कलह। देखिए जहाँ पे अधिक लोग होंगे, अधिक से अधिक विचारधाराएं होंगी उनके मध्य, हो सकता है एक लोग कुछ कह रहे हों दूसरे लोग कुछ कह रहे हों, इसीलिए
संयुक्त परिवार में पारिवारिक कलह स्वाभाविक रूप से होती है, और संयुक्त परिवार में जो स्त्रियों की दशा होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको इतना काम करना पड़ता है और सभी की बातें माननी पड़ती है, माता पिता की बातें माननी पड़ती है, अगर कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग उनसे भी बुजुर्ग है तो उनकी भी बातें माननी पड़ती हैं, तो स्वतंत्रता नहीं होती है स्त्रियों की संयुक्त परिवार में, इसी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। और अगला पॉइंट है बालकों के विकास में बाधा। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त परिवार के बालकों के विकास में बाधा हो जाती है, जैसे कि एकल परिवार में बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलता है तो वो जल्दी से विकास करता है, हर प्रकार से विकास करता है, बालकों के विकास में बाधा होती है संयुक्त परिवार में, अगर बाई चांस कोई भी चीज़ लाई जाती है तो, जैसे एकल परिवार में होंगे तो हमारा एक बच्चा होगा तो हम उसे दे देंगे, वो खा लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन संयुक्त परिवार में है अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ लाते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा खाएगा और वो ग्रोथ करेगा अच्छे से, तो वो नहीं होता है, तो मतलब अगर लाए हैं तो चार लोग हैं तो चार लोगों को देनी पड़ती है, इसी वजह से बालकों का विकास नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं खाने पीने की दृष्टि से हो या किसी भी दृष्टि से हो, और जैसे मान ले मानसिक विकास की दृष्टि से हो या चरित्र के विकास की दृष्टि से हो, तो जैसे माता पिता कहेंगे कि बेटा तुम ये करना, चाचा कहेंगे तुम ये करना, तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो समझ नहीं पाता है कि किस तरफ कैसे जाया जाए, तो इस चीज़ को समझने में उसे प्रॉब्लम होती है, इससे भी उसको विकास में बाधा आती है। बाकी अगर जागरूक माता पिता हैं, जागरूक घर वाले हैं तो कोई भी बाधा नहीं आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बालक के विकास में परिवार का योगदान। बहुत ही योगदान होता है एक बालक के विकास में परिवार का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक विकास में परिवार का योगदान। उसमें पहला पॉइंट है माता पिता का स्वास्थ्य तथा शारीरिक रचना का प्रभाव। तो एक बालक के शारीरिक विकास में परिवार का काफ़ी योगदान होता है, माता पिता का स्वास्थ्य और अगर उनकी शारीरिक रचना अच्छी है तो उनके जो बालक होंगे या उनके बच्चे होंगे वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। अगर उनके माता पिता स्वस्थ हैं और उनकी शारीरिक रचना अच्छी नहीं है तो उनके बालक भी अच्छे नहीं होंगे, मतलब वो दुर्बल ही रहेंगे। अगला पॉइंट है नियमित दिनचर्या। शारीरिक विकास के लिए नियमित दिनचर्या काफ़ी आवश्यक है, और अगर परिवार के सदस्य नियमित दिनचर्या के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो उनको देखकर बालक भी वो कार्य करेंगे, जिससे कि बालकों का शारीरिक विकास भी आसानी से होगा। अगर नियमित दिनचर्या नहीं करेंगे तो शारीरिक विकास में प्रॉब्लम आएगी और अच्छे से वो विकास नहीं कर पाएंगे, और मेनली नियमित दिनचर्या परिवार के सदस्यों को देखकर ही बालक ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है समुचित व्यायाम एवं खेल। तो बिल्कुल सही है, जैसे परिवार वाले जो हैं, परिवार के सदस्य हैं या हमारे माता पिता हैं या चाचा चाची हैं या एकल परिवार में रह रहे हैं तो माता पिता को ही देख के बड़े होंगे, और संयुक्त परिवार में हैं तो काफ़ी लोगों को देखकर बड़े होंगे बच्चे, तो अगर वो लोग व्यायाम करते हैं और खेल को महत्व देते हैं तो बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से होगा, अगर वो महत्व नहीं देते हैं तो बालकों के शारीरिक विकास में प्रॉब्लम आएगी, मतलब धीरे धीरे विकास होगा, स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होगा। अगला पॉइंट है परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना। बिल्कुल सही बात है, परिवार से अगर प्रेम प्राप्त होगा और सुरक्षा की भावना होगी तो मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ होगा और जिसके कारण उसका शारीरिक विकास भी अच्छे से होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है मानसिक विकास में परिवार का योगदान। पहला पॉइंट है उसमें वंशानुक्रम का प्रभाव। माता पिता का मानसिक विकास में काफ़ी योगदान होता है बालक के, अगर माता पिता के गुण अच्छे होंगे तो बालकों का मानसिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर माता पिता के गुण अच्छे होंगे, अच्छी आदतें होंगी तो बालक भी उनको सीखकर उसी तरीके से आगे कार्य करेगा, इसी वजह से वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर बहुत पड़ता है। अगला पॉइंट है पारिवारिक वातावरण का प्रभाव। बालक के विकास में पारिवारिक वातावरण का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण और जो उसमें रहने वाले सदस्य हैं उनके मध्य प्रेम पाया जाएगा तो जो बच्चे होंगे वो भी अच्छे से रहेंगे और उनका मानसिक विकास अच्छी तरीके से होगा, उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण आएंगे, प्रेम सद्भावना आदि के गुण का विकास होगा। अगर कलह की भावना होगी परिवार में तो बालकों के अंदर चिढ़न, ईर्ष्या, द्वेष आदि आएगी, तो
पारिवारिक वातावरण बालकों के मानसिक विकास में काफ़ी योगदान रखता है। अगला पॉइंट है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति बालक के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और बालक किसी भी चीज़ को मांगता है, अगर हम उसे समय पर देते हैं, अगर उसके योग्य हो, काम की चीज़ हो, अगर उसे मिल जाती है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसकी जो अगर उसने कोई चीज़ मांगी है, अगर उसे मिल जाती है तो वो काफ़ी खुश होता है, इससे उसका मानसिक विकास होगा। अगला पॉइंट है माता पिता की शिक्षा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है माता पिता की शिक्षा। अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो उनका मानसिक विकास भी अच्छी तरीके से होगा। अब हम लोग जानेंगे अगले पॉइंट के बारे में, सामाजिक विकास में परिवार का योगदान, व्यवहार का निर्माण। परिवार जो है वो व्यवहार के निर्माण में काफ़ी योगदान देता है। सहयोग की भावना, अगर अधिक लोग रहेंगे परिवार में तो एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो एक बालक देखेगा कि सहयोग की भावना है, एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हमें भी सहायता करनी चाहिए। इसी तरीके से सामाजिक विकास होता है बालक का। नागरिक गुणों का विकास, बालक के नागरिक गुणों का विकास भी होता है, वो उसके परिवार से ही स्टार्ट होता है। अगला पॉइंट है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, वो तो मैंने बताया था पहले ही आपको। अब हम लोग जानेंगे मित्र के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर परिवार और मित्र है और ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर चालू होगा। थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जितने भी चैप्टर हैं मैं उनको पढ़ाऊँगा। तो मित्र, बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र होता है। जिसके साथ वो स्वतंत्र रूप से रहता है, खेलता है, वही मित्र कहलाता है। और यह आवश्यक नहीं है कि सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हों। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है, जिसके साथ वह खेलना, रहना, पढ़ना पसंद करता है, उसको वह अपना मित्र बनाता है। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम स्वतंत्र रूप से अपनाते हैं, कोई उसे हम पर थोप नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मित्र उसे बनाएंगे जिसके साथ हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा लगेगा उसके साथ रहना, उसे हम मित्र बनाएंगे। जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उसे हम अपना मित्र नहीं बना सकते। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिस पर जिसे हम मतलब कोई हमें थोप नहीं सकता। मित्रता को कोई हम पर थोप नहीं सकता कि ज़बरदस्ती आए कोई हमसे कहे तुम हमारे मित्र बन जाओ। तो जब तक हम उसे पसंद नहीं करेंगे तब तक हम उसके मित्र नहीं बन सकते। इसीलिए मित्रता का रिश्ता थोपा नहीं जा सकता है। अगला पॉइंट है, अच्छे मित्रों की संगति व्यक्ति को अच्छा बनाती है और कुसंगति व्यक्ति को बुरा बनाती है। अगर आपके अच्छे मित्र होंगे तो आपको अच्छी बातें बताएंगे, अगर आपके बुरे व्यक्ति होंगे, बुरे व्यक्ति दोस्त होंगे तो आपको बुरी ही बातें बताएंगे, कभी अच्छी बात नहीं बताएंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है अपना आज का टॉपिक। बड़ा ही टिपिकल और अच्छा टॉपिक नहीं था, अगला वाला टॉपिक काफ़ी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।